press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी नाजरीन, बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड का मेला फिल्म साज अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब ने लूट लिया। भारतीय फिल्म नगरी के दूसरे सबसे बड़े 18वें इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड की तकरीब अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुनाकिद हुई, जिसमें नामवर अदाकारों ने शिरकत की, जबकि तकरीब में बड़े बड़े स्टार्स ने स्टेज पर परफॉर्म करके जलवे बिखेरे। हिदायतकार अभिषेक के चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब का तकरीब में खूब चर्चा रहा, जिसने बेहतरीन अदाकार और अदाकारा का अवार्ड अपने नाम किया। यहाँ ख्याल रहे कि फिल्म उड़ता पंजाब को नुमाइश की इजाज़त के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े थे और सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म में 30 से ज़ायद एतराज़ात भी लगाए गए थे, जिस पर फिल्म साजों ने हाई कोर्ट से फिल्म की नुमाइश की इजाज़त ली थी। लेकिन अब यही फिल्म आईफा अवार्ड की तकरीब में छाई रही। फिल्म उड़ता पंजाब में शानदार अदाकारी पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड शाहिद कपूर के हिस्से में आया, जबकि आलिया भट्ट को बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म में पंजाबी गुलूकार दिलजीत दोसांझ को बेहतरीन फिल्म डेब्यूटेंट का अवार्ड दिया गया। फिल्म नीरजा में शबाना आजमी को बेहतरीन अदाकारी पर बेहतरीन मुआवन अदाकारा और अनुपम खेर को फिल्म MS धोनी इन डोल्ड स्टोरी में बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड दिया गया। आईफा अवार्ड में सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड सोनम कपूर की फिल्म नीरजा के नाम रहा, जबकि नौजवान अदाकार वरुण धवन ने फिल्म डिशों में बेहतरीन मजाहिया अदाकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया। हिदायतकार किरण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में बेहतरीन मौसीकी देने पर मौसीकार प्रीतम को बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया।